हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी हो रहा है सुबह के लगभग 9:15 और आज सैटरडे है। तो आज के नए वीडियो में मेरा एक चैलेंज है 7 डेज़ का, कि हम लोग 7 डेज़ तक कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ नहीं करेंगे। मतलब कोई भी, ना व्हाट्सएप, ना स्नैपचैट, ना इंस्टाग्राम, ना ही यूट्यूब। माना ये वीडियो यूट्यूब पे जाना है, मगर उसके लिए यूट्यूब अपने को 7 दिन बाद यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो अपन बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। और कोई मिस कर रहा हूँ तो मैं, हाँ, और सबसे बढ़िया हब वाली भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। कोई एप्लीकेशन नहीं, पूरा डोपामिन डिटॉक्स करेंगे। आज सैटरडे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं बैठ के ऑफिस का थोड़ा काम कर रहा हूँ, देख लीजिए। पहले आप देख लीजिए अभी का टाइम, और ये लगभग 3 दिसंबर की यार डेट है। और ये थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंशियल कोड देख लीजिए आप लोग, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैंने सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी अपने फ़ोन से। अभी मेरे में ज़्यादा कुछ बचा है नहीं। गूगल फोटोज़ है सबसे मेजर एप्लीकेशन। गेम के नाम पे खाली सुडोकू है मेरे पास। अब देखते हैं कैसे ये 7 दिन गुजरेंगे। ठीक है गाइस, पीस आउट। अपडेट गाइस, लगभग 2 घंटे हो गए हैं सब इंस्टॉल करे हुए। अभी थोड़ा सा काम पड़ा था व्हाट्सएप का, तो मेरे दोस्त ने कहा व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लो। तो मैंने कहा नहीं, व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन है मेरी ज़िंदगी में। नहा लिया है मैंने, काम बचा है अभी भी ऑफिस का, करेंगे थोड़ी देर बाद। 2 घंटे हो गए हैं, कोई दिक्कत हुई नहीं अभी तक, ना खून की उल्टी, ना मुँह से झाग। तो मतलब सर्वाइव किया जा सकता है बिना सोशल मीडिया के। बाकी अभी देखते हैं कैसे कैसे क्या है 7 दिन गुजारने हैं। आई विल कीप यू पोस्टेड फॉर फर्दर इंक्वायरीज, कॉन्टैक्ट इन द कमेंट सेक्शन। ओके बाय। ये नेक्स्ट डे है गाइस, मे भी मैंने सेम कपड़े पहन रखे, तो आपको लग रहा हो ये वही दिन है। मैं आपको चकमा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। ये नेक्स्ट डे है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ लगभग से। फालतू के मुझ पर इंजाम मत लगाइएगा, देख लीजिए 4:50 होने वाला है लगभग अगले दिन का। तो मोर देन एक दिन हो गया है बिना सोशल मीडिया के रहे हम लोग को। सबसे ज़्यादा टाइम जो मेरा फ़ोन में स्पेंड हुआ है, वो हुआ सुडोकू खेलने में। लगभग 1-1.5-2 घंटा खेलना हूँ। आज सुबह थोड़ा ऑफिस का काम किया था, फिर खाना वाना खाया, और भी दुनिया भर के काम थे आज थोड़ा, तो आज लेट हो गया अपडेट देने में। तो एक दिन से ज़्यादा लगभग बिना सोशल मीडिया के हो गया, तो ऐसी कोई दिक्कत ज़्यादा हुई नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। मतलब बीच बीच रात में थोड़े उलझुल सपने आ रहे थे, बाकी अदर देन दैट देर इज नो मेजर इशू। सो इट कैन बी डन, बट आई थिंक इट इज गोना बी हार्ड। आई गॉट सो फार, बट इन दी एंड इट विल मैटर, बिकॉज इट इज मोर देन 7 डेज, और अप्रोक्सीमेट आई विल बी लिविंग द सोशल वर्ल्ड फॉर 7 डेज, एंड ओनली 1 डे हैज पास्ड। एंड आई थिंक इट विल बी गेटिंग हार्ड, बट दैट्स वॉट शी सेड। ओके गाइस, आज है गाइस तीसरा दिन। लगभग आज की तारीख है, देख लीजिए आप लोग, फिर से मैं दिखा देता हूँ अपडेट। ये लगभग आज है 5 तारीख, मतलब हम लोग को लगभग मोर देन 48 आवर्स हो गए हैं। ये हल्का सा काम कर रहा हूँ मैं, दिखा सकता कोड कॉन्फिडेंशियल है समझिए। बाकी मतलब मोर देन 48 आवर्स विदाउट सोशल मीडिया हो गए हैं। सोशल मीडिया के नाम पे जीरो इंटरेक्शन है हम लोग का, और फ़ोन भी आज मैंने लगभग 1-2 मिनट ही चलाया है। सुडोकू नहीं खेला सुबह से, सुबह से काम पे लगे हुए हैं। और अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत बल्कि नहीं, फ़ायदे हो रहे हैं। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, काम करने में मज़ा आ रहा है। अब मतलब उदासी थोड़ी कम है, खुशहाली बराबर चली रही थी ज़िंदगी में। उदासी जो थी, फर्जी की जो फील होती थी, वो कम फील हो रही है। काम करने में थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, काम करने में मन भी लग रहा है, और काम हो भी रहा है। प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और अभी हम लोग ओट्स खा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये ओट्स पड़ा है। बाकी वो वैसलीन की डिब्बी पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, वो होंठ फट रहा है इसलिए मैंने रख रखी है। फालतू की बातें कोई कमेंट में नहीं करेगा, वरना मैं घर आके उसको पी लूँगा, समझे आप लोग। बाकी अभी ठीक है, हर दिन का 2 दिन का अपडेट दे दिया। बीच बीच में अपडेट देने का मतलब कोई मतलब है नहीं। 48 घंटे के अपडेट आपको मिल गए, अब अगला अपडेट मैं मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह ही दूंगा। उससे पहले कोई मतलब है नहीं देने का। अभी तक कोई तलब तो लग नहीं रही कि सोशल मीडिया इंस्टॉल करें, या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। फेसबुक भी चलाते नहीं थे,
स्नैपचैट का बीच बीच में थोड़ा सा मन करता है कि मतलब फ्लैक्स करें अपनी ज़िंदगी। जब लौंडों के साथ कल रात में बाहर घूमने गए थे चाय पीने 10 रुपये वाली, सोचा फ्लैक्स कर लिया जाए, मगर फिर वो हमने कहा रहन दो, ये बच्चे मेरी ज़िंदगी फ्लैक्स देखेंगे तो हो सकता है उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में दुखी फील होए। तो मैंने फ्लैक्स नहीं की ज़िंदगी, तो अभी सब कुछ हटा हुआ है फ़ोन से, फ़ोन का कोई ऑब्जेक्टिव बचा नहीं ज़िंदगी में खाली रिकॉर्डिंग के अलावा और कॉल करने के अलावा, बस बाकी सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है गाइस, पीस आउट। अनदर अपडेट गाइस, वो वही तारीख है 5 तारीख वाली, उसी के जस्ट बाद का वीडियो फिर से शूट कर रहा हूँ। आज मम्मी मेरा कमरा साफ कर रही थी, उनको उस कमरे में से 3 माचिस की डिब्बी मिली। तो मम्मी ने मुझसे फालतू सवाल किया कि तुम माचिस का क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं सिगरेट पीता हूँ, जबकि आप लोग कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो बाकी कोई फिर फालतू कमेंट राजी नहीं करेगा उसमें, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, आप सबको पता है ओनली चाय इज़ द ओनली इंटॉक्सिकेशन दैट आई प्रोवाइड टू माई बॉडी। तो मम्मी 2 माचिस की डिब्बी ले गई थी, तो मैंने कहा सारी मत ले जाओ, एक रहने दो, काम आएगी बाद में चाय बनाने के, मतलब चाय बनाने के नहीं मतलब सिगरेट पीने के, मतलब जो मैं तो पीता नहीं हूँ, मैं कॉल जलाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ सिगरेट, मतलब सॉरी आई एम फक ऑफ।